ग्यारह की ग्यारह सीट जीत रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि कोई वहां पर मिले नहीं। और जो पुराने और अभी तक सांसद हैं दीपक बैज जी, जो पीसीसी चेयरमैन भी हैं, हमारे एक मंडल अध्यक्ष से हार गए विधानसभा में। हमारा एक मंडल अध्यक्ष जो मंडल का अध्यक्ष होता है वो उनको हरा दिया और उनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से बस्तर में लड़ने की, और जबरदस्ती कवासी लखमा को हमको लगता है कि बलि का बकरा कांग्रेस पार्टी ने बनाई। छत्तीसगढ़ का पूरा देश जानता है कि झीरम कांड में मतलब किस तरह से उनकी गतिविधि थी, सब जानते हैं। तो और अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिखराव में है, कई लोग टिकट वापस कर रहे हैं, कई लोग कांग्रेस के टिकट से लड़ना नहीं चाह रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के, नवीन जिंदल जी जैसे उद्योगपति जो सांसद भी थे, उनकी माताजी वो भी मिनिस्टर थी कांग्रेस से, वो सब छोड़ छोड़ के आज भाजपा में आ रहे हैं। तो आज समझ सकते कवासी लखमा सबसे हमारे बस्तर में सीनियर लीडर हैं, छह बार के विधायक हैं, उसको बलि का बकरा बनाए बोल रहे हैं, और उनके प्रत्याशी कौन जानता है भाई, भाजपा वाले बता दें, जाके बीजापुर में या कोंटा विधानसभा में कोई बता दे कि उसको जानते होंगे। वो तो जो राजनीति करते वो नहीं जानते, तो बलि का बकरा उन्होंने बनाया अपने कैंडिडेट को। सीनियर जितने लीडर हैं उसका अपमान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे सीनियर लीडर भाजपा में भी हैं जिसको हम लोग जानते हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़े, मंत्री रहे, उनको मौका नहीं दिया, तो वो तो अपने सीनियर लीडर का अपमान कर रहे हैं। मंत्रिमंडल भी देखो, सारे सीनियर लीडर को एक तरफा कर दिए, उनका अपमान कर रहे हैं। यदि अपमान करने की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा अपमान भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। अमर अग्रवाल, राजेश मुणत, अजय चंद्राकर, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, तमाम सीनियर लीडर को देख लीजिए, जो केंद्रीय मंत्री रही हैं, वहाँ सरगुजा से सांसद रही, उसको नहीं लिए, उसको विधायक के टिकट दिए, उसके बाद कुछ भी नहीं बनाया। तो अपने पार्टी के नेताओं किस प्रकार से अपमानित किया जाता है वो भारतीय जनता पार्टी में देखा जा सकता है।